दोस्तों, दीक्षा ऐप पे अगर आप अपने प्रोफाइल में कोई भी अपडेट करना चाहते हैं, चाहे मोबाइल नंबर हो, जीमेल हो, या आपके स्कूल की कोई डिटेल हो, ब्लॉग, डिस्ट्रिक्ट, या आपके स्कूल का नाम, तो सारी डिटेल आप कैसे अपडेट कर सकते हैं ये वीडियो में हम आपको हैं बताने वाले। तो सबसे पहले आपको अपना दीक्षा ऐप ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, गेस्ट के रूप में आप यहाँ पे लॉगिन होंगे। अब हमें यहाँ पे लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन विद दीक्षा, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम और लॉगिन इन विद गूगल। तो सबसे पहले अगर आपकी आईडी पहले से बनी है तो लॉगिन विद दीक्षा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे देखिए इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसमें आपसे इंटर योर जीमेल या मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बोलेगा और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और उसके बाद कर देना है लॉगिन। तो चलिए, मेरा तो पहले से लॉगिन पासवर्ड बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के इसको कर देता हूँ लॉगिन। तो ये देखिए, वी आर गेटिंग, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पेज लॉगिन हो रहा है। हम दीक्षा ऐप की ऐप पे ही देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। तो मेरे नाम से मेरी आईडी ओपन हो गई है। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट परफॉर्मेंस में प्रेफरेंस में यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे रोल और स्टेट डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है और उसके नीचे भी एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पे बारी बारी से देखने वाले हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर और जीमेल भी हमारा अटैच है, तो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोफाइल में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, रोल टीचर का दिया हुआ है और स्टेट लिखा है, डिस्ट्रिक्ट लिखा है, बाकी ब्लॉक और स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, मैंने अपना ब्लॉक ऐड कर दिया और इसके साथ अब मैं अपना स्कूल भी ऐड कर देता हूँ। तो ये अभी ऐड नहीं था, तो ये देखिए हमने अपना स्कूल यहाँ पे ऐड कर दिया और इसको सबमिट कर दिया। अब इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। चलिए इसको हम फाइनल सबमिट कर देते हैं। ये देखिए हो रहा है और ये हो गया फाइनल सबमिट। अब फिर से हम अपने प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे जो प्रोफाइल का ऑप्शन बना उस पर जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे कंटेंट प्रेफरेंस में सारी चीज़ें आ गई, रोल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल का नाम। इसके बाद नीचे अगर आप सब्जेक्ट वगैरह कोई भी डिटेल एडिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी अब आ जाते हैं मोबाइल नंबर और जीमेल पे। तो इस पे आपको देखिए यहाँ पे एडिट का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है मोबाइल नंबर पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए OTP टू अपडेट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे मोबाइल नंबर पे ये OTP आ चुका है। तो अभी मैं कोई अपडेट करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी यही है और चल रहा है। तो आपको एक OTP आएगा, उसको डाल के और अपना जो भी मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं वो आप डाल दीजिएगा। और अगर आप अपना जीमेल भी चेंज करना चाहते हैं तो उस पर भी आप एक बार क्लिक करिएगा, तो उसके लिए भी आपके पास एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और उसको डाल के आराम से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें।